बाद में आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। आपको पता होगा स्टॉक मार्केट क्या होता है, जहाँ बहुत सारी कंपनीज होती है, हम मैदान बैंक खरीद सकते हैं, हम वही वही कंपनीज खरीद सकते हैं। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है, हम बहुत सी कंपनीज खरीद सकते हैं, हम वही वही कंपनी जो कि आपको जानी पहचानी, UPL, मैदान बैंक, अपना PSO पम्प, अपना सेल की कंपनी, इसके अलावा कोलगेट की कंपनी, शान की कंपनी, और पाकिस्तान में जितनी भी कंपनी का पाकिस्तान और इंडिया में भी कैसे बहुत सी कंपनीज हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया में कितनी भी कंपनीज है, लेकिन हाँ ये सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के लिए भी है, मतलब इंडिया में स्टॉक मार्केट अलग है। वो भी मैं आपको पहले स्टॉक मार्केट समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट होता है क्या है, उसको तो मैंने कि चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ और क्या हकीकत में स्टॉक मार्केट होता है। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ बनाने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट है क्या। आप बता जाते हो वहाँ बहुत सारे सामान मिलते हैं आपको थोड़े कम दाम में, ज़्यादा दाम में टमाटर आलू प्याज वगैरह लेते हो, कपड़े भी होते वहीं, वहाँ आपको जूते भी मिलते हैं, तो मेकअप का सामान भी मिलता है, हर चीज़ मिलता है। अब हर चीज़ वहाँ मार्केट में मिलते हैं, अब वो मार्केट में जो मेकअप का सामान है, तो मेकअप का सामान कहाँ से आता है? कोई ना कोई कंपनी तो होगी ना जो बनाएगी उस मेकअप के सामान का, उस कैटेगरी, उस सेक्टर। अब जो कैटेगरी, अब एक मेकअप का सामान है ना, वो पूरी एक कैटेगरी हो गई, उसमें बहुत सी कंपनीज आ गई, मेकअप लिपस्टिक बनाने की, आईब्रो बनाने की, इसकी उसकी कंपनी था, तो एक सेक्टर बन गया कि कॉस्मेटिक के सेक्टर। इसके अलावा अब बैंक है, बैंक एक सेक्टर हो गया। इसके अलावा आप आलू प्याज को ले लो, आलू प्याज क्या है, कुछ नहीं, लेकिन इसकी भी कंपनीज होती है। अब लाजमी नहीं कंपनी से आपको सिर्फ आलू प्याज बेचें, नहीं, कुछ खाने पकाने की भी कंपनीज होती है, यूनिटी फूड, और इसके अलावा भाई बहुत सी कंपनीज है जो कि पाकिस्तान में और इंडिया में वर्क कर रही है और आने वाले वक्तों में भी कहेगी और बहुत ज़्यादा ग्रो होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि स्टॉक मार्केट में पहले सेक्टर हो गया, ठीक है भाई, ये सेक्टर हमने डिसाइड कर लिया। अब सेक्टर की बात आते हैं असल कंपनी। अब सेक्टर हमने देख लिया, यार मैंने कॉस्मेटिक के ऊपर इन्वेस्ट करना है, मुझको पता है यार कॉस्मेटिक, या मुझको लगता है कि यार मुझको तेल आने वाले वक्तों में इसकी दाम बहुत बढ़ेगा, तो तेल के ऊपर इन्वेस्ट करना है, या बिजली के ऊपर इन्वेस्ट करना है, या गैस के ऊपर इन्वेस्ट करना है। आप, मैं बता रहा हूँ, आप ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, हर जगह देखो, हर जगह कोई ना कोई कंपनी कुछ ना कुछ काम कर रही हो। अब ऊपर देखो, आप ऊपर क्या है, ऊपर नासा, टेस्ला, मतलब जो भाई भाई जो हवा की जो कंपनी होती है, जो अपना बारिश पैदा करती है, या अपना मौसम याद वगैरह होते, वो सब क्या होती कंपनी, वो आसमान को देखी होती है, उसमें अपना हेलीकॉप्टर वगैरह भी आ जाता है, एरोप्लेन वगैरह, तो ये सब हवा में रहने वाली कंपनीज हैं, तो आसमान में भी है ना बहुत सी कंपनीज। और इसके अलावा स्पेसिस वगैरह भी, स्पेसिस ऐसी छोटी मोटी, बहुत सी छोटी नहीं, ये तो बहुत बड़ी कंपनी स्पेसिस, तो ऐसी बहुत सी कंपनीज आ जाती है। वैसे आप ज़मीन में देखो, ज़मीन में क्या ये चीज़ें, पौधे बनाने के चाय होते, पेड़ होते, ये होते, वो होते, तो इसकी भी बहुत सी कंपनीज हैं। वैसे आप दाएँ देखोगे, आपके घर में कुछ ना कुछ सामान नजर आ जाएगा, शीशा पड़ा हुआ है, शीशा बनाने की कंपनी, टेक्सटाइल की कंपनी, कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, कोई मैं बोलता हूँ आप कुछ ना देखो, एक झाड़ू भी है ना, झाड़ू, उसकी भी कोई ना कोई कंपनी है। तो कंपनी हर जगह है, हर जगह, और इतनी कंपनीज हैं, हर चीज़ में, हर चीज़ जो है ना, यहाँ तक आपके कपड़ा लेकर, आपके नहाने के साबुन से लेकर, हर चीज़ की एक कोई ना कोई कंपनी लाजमी है। अब आपको यार कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करो, कौन सी कंपनी में मुझको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके लिए ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई इन्वेस्ट, सबसे पहले बोलो कि पैसा, पैसा है ना, अब इन्वेस्ट किसी भी कंपनी में क्यों करते हो, पैसा कमाने के लिए, पैसा तो हर कंपनीज में, और पैसे का कोई कलर होता है, पैसे में कहीं लिखा होता है, या मैंने बैंक के लाइन से आया हूँ, तो मैं झाड़ू की लाइन से आया हूँ, या मैं मसाले की लाइन से आया हूँ, या कोई मैं आसमान से आया हूँ, या ज़मीन से आया हूँ, या दाएँ से आया हूँ, या बाएँ से आया हूँ, या आगे से आया हूँ, पीछे से आया हूँ, नहीं लिखा होता ना कौन सी कंपनी से आया हूँ, पैसा आया है तो लोग पैसा देखते हैं। तो ये चीज़ मैं कंफ्यूज नहीं हो जाएगा लोग कि कौन सी सेक्टर में इन्वेस्ट करो, जहाँ आपको ग्रो लगे कि आपका पैसा ग्रो हो जाएगा फ्यूचर में, वहाँ इन्वेस्ट करो। अब स्टॉक मार्केट जो कंपनीज होती है, वो एक तरह का यही वर्क करती है, मुख्तलिफ कंपनी होती है, एक कारोबार होता है,
वो कारोबार बोलता है, या 10 लाख का कारोबार है, बोलता है यार मेरे पास पैसा नहीं है, मुझको उस कारोबार को और बढ़ाना है, तो लोगों के पास जाता है। अब लोगों के पास भी, अब लोग बार बोलते हो यार 10 लाख रुपये है, मैं का कारोबार है, 10 लाख रुपये और दे दो, तो बोलते यार मेरे पास तो इतना इकट्ठे पड़ा नहीं है। तो वो क्या करता है, वो अपने 10 लाख लोगों को दे देता है, सबसे एक एक रुपये ले लेता है, और एक एक रुपये लेने के बाद वो अपनी कंपनी का हिस्सेदारी ले लेता है कि ये ले लो, ये मेरी कंपनी है, इसके तुम मालिक हो, जो भी मुनाफा होगा उसमें से जो भी है तुम्हारा, 1% में 1 रुपये का कितना भी 0.5000001% ही होना बने, वो हिस्सा तुम्हारा मिल जाएगा बस। तो उससे क्या हुआ, उसकी ज़रूरत भी पूरी हो गई, उसकी कंपनी भी चल गई, उसकी ग्रोथ भी मिल गई, और इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट भी मिल गई। अब हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, मतलब कैसे, तो अब यार मुझको ना पैसों की ज़रूरत है, मैंने तो 1 रुपये दिया था, 1 रुपये मैंने जो दिया था वो ना मुझको वापसी कर, ठीक है, अब मैंने जिसके बाद इन्वेस्ट किया बोलो या वापसी कर दो। अब मैं, अब मसाले उसके 10 लाख, उसकी 20 लाख की कंपनी बन गई, अब वो 1 रुपये वापसी करेगा तो सबको 10 लाख लोगों को 1-1 रुपये वापसी कर दिया, तो उसकी कंपनी दोबारा बंद नहीं हो जाएगी, इतनी बड़ी कंपनी, अब इसका हाल क्या होना चाहिए। तो बोलता है यार मैं तो वापसी नहीं कर रहा, तुम वो जो 1 रुपये है तुम्हारे पास है उसको किसी और को दे दो, किसी और को दे दो। तो वो किसी और को सेल कर देता है कि भाई ये है मेरे पास इतने रुपये की वैल्यू है, आप ये रख लो, उसको पैसे दे, वो पैसा ले लो। कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब डायरेक्ट कंपनी आपको सेल नहीं करेगी, और जो ये जो लेन देन होती है ना, अब पहले ये तजाद फिजिकली हुआ करती थी, लोग आया करते तो एक बीते लगाया करते थे, अब इसको ऑनलाइन गवर्नमेंट ने कर दिया ताकि इसमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो सब चीज़ों को सिक्योर करने के लिए। तो इसको मैं कि कोई पहाड़ नहीं है और ना ही कोई साइंस है, समझ जाए बहुत कुछ है, और इसमें जितना ग्रोथ है ना, जितना दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट स्टॉक मार्केट है। अब आप बोलोगे ऐसा मैंने क्यों बोला, स्टॉक मार्केट जैसा सबसे बड़ी मार्केट क्यों है, देखिए मार्केट नहीं है, ये चीज़ समझो, मार्केट वो होती है, यहाँ मार्केट भी मार्केट है, मतलब आप अमेजोन देखो ना, अमेजोन भी लिस्टिक है स्टॉक मार्केट के अंदर, इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी वो लिस्टिक है अपना स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट नहीं है, ये एक तरह का खजाना है, आप समझ गए ना, आपकी लाइफ बन जाएगी। तो समझो, उसके लिए मैं बहुत सी वीडियोस लाऊंगा और आने वाले वक्तों में, और इस हवाले से मैंने कुछ वीडियोस बनाई भी है, तो उसको कोशिश करो, टाइम निकालो, मुझको पता है टाइम तो आप लोग बीसी लोग हो, आप लोग अपनी लड़कियों से टाइम मिलेगा तो वीडियोज़ देखोगे ना, बीवियों से टाइम मिलेगा तो वीडियोज़ देखोगे ना, बच्चों से टाइम मिलेगा तो वीडियोस देखोगे ना, अपनी बॉस से सुनने से टाइम मिलेगा तो वीडियोस देखोगे ना, तो बिजी हो आप लोग नहीं देखोगे, तो लाइक वगैरह भी करोगे नहीं, सब्सक्राइब भी करोगे नहीं। तो इसी के साथ इजाज़त दी है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।